लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन द्वारा हिमाचल के सांसद व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए देहरा भाजपा मंडल के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने मंडलाध्यक्ष निर्मल सिंह की अध्यक्षता में एसडीएम देहरा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर अधीर रंजन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के बाद मंडलाध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि हमारे सांसद पर लोकतंत्र के मंदिर में हुई अमर्यादित टिप्पणी से हम सभी आहत हैं तथा राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि वे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को निर्देशित करें कि वे कांग्रेस के उक्त सांसद पर सदन में ऐसी टिप्पणी करने के लिए सख्त कार्रवाई करें। ज्ञापन के बाद जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद में जब हमारे सांसद व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पीएम केयर निधि के संदर्भ में 12A तथा FCRA पर बहस कर रहे थे, तभी सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने हमारे सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने हम सभी हिमाचलियों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए हिमाचली छोकरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यही नहीं, उक्त नेता ने भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाते हुए सांसद में ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जिसको हम भाजपा के कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में भी प्रयोग करने से बचते हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि अनुराग ठाकुर हमारे चौथी बार के सांसद हैं व प्रादेशिक सेना के अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर हिमाचली गौरव के ध्वजवाहक हैं। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी हिमाचली गरिमा को चोट है। इस मौके पर मंडल विस्तारक चेतराम, मंडल महामंत्री रणजीत गुलेरिया, रमेश चौधरी, आईटी संयोजक दिव्या शर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष व देहरा व्यापार मंडल अध्यक्ष मलकीत परमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य व हरिपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल महाजन, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष भागीराम, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष धर्मवीर खट्टा, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल देहरा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में एसडीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन भेजने का विषय हमारा ये है कि बीते दिन, जैसे आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस के जो नेता है सदन में, उन्होंने हमारे यहाँ के चार बार के सांसद और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ सदन में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसके विरुद्ध हमने आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है और हमने कार्रवाई की मांग की है कि आप लोकसभा के अध्यक्ष को निर्देशित करें कि कांग्रेस के नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर हिमाचल से चार बार के सांसद हैं, प्रादेशिक सेना में एक अधिकारी हैं। उन्होंने हिमाचली छोकरा जैसे शब्द का प्रयोग किया है जो कि हम सभी हिमाचलियों की गरिमाओं को ठेस पहुंचाता है। इस तरह के वक्तव्य शायद उन्होंने, इस तरह के संस्कार जो हैं वो शायद उन्होंने अपने जो उनकी अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी या महासचिव हैं श्री राहुल गांधी जी, उनसे सीखे हैं ऐसे ऐसे भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक जीवन में अपने घरों में भी प्रयोग नहीं करते। ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में किया है, जिसकी हम लोग निंदा भी करते हैं और राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि आप उक्त सांसद के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को दें। धन्यवाद सर। तो यहाँ